जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है CISF, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CISF में रिक्रूटमेंट आई हुई है और इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 21 नवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है आप सभी के लिए और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो आप लोग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ऑनलाइन अप्लाई के समय कुछ प्रॉब्लम्स हो आ रही हैं, बट किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, जल्द ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं जिसमें कि आप लोग के फॉर्म अप्लाई के बाद फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, रिटर्न और मेडिकल के बेस पे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। OMR बेस आप लोग का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस भी आप लोग का एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग की रिक्रूटमेंट है, इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। कुक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, इसके बाद आप लोग की जो है बार्बर की वैकेंसी है, फिर वाशरमैन और स्वीपर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, आप लोग देख लेंगे किस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, किस में आप लोग का इंटरेस्ट है, कौन सा ट्रेड है। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग की सेक्टर वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। जी, आप लोग जिस सेक्टर में आते हैं उसके तहत आप लोग अपनी कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी देखेंगे। जैसे आप लोग नॉर्थन सेक्टर में आते हैं और जनरल में आते हैं तो जनरल नॉर्थन सेक्टर की 13 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप लोग NCR सेक्टर में आते हैं और आप लोग जनरल, ठीक है, नॉर्थ जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 वैकेंसी है कुक ट्रेड के लिए। इसी प्रकार से यदि कांस्टेबल ट्रेड का देखेंगे तो कांस्टेबल कोबलर के लिए आप लोग को ये वैकेंसियाँ दी हुई है। इसी प्रकार से सभी के सामने आप लोग को वैकेंसियाँ दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किस सेक्टर में आप लोग आते हैं और कितनी वैकेंसी आप लोग के लिए है, अप्लाई करना है नहीं करना, किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पे, जी हाँ, भर्ती देखो पे आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी CISF की वैकेंसी से रिलेटेड, किस पोस्ट के लिए कैसे कैसे कितनी कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग को एक लिंक मिलता है, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोग को मिलता है, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और इसके अलावा फॉर्म कैसे भरें इसकी पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग का जो इस प्रकार का पेज ओपन होता है, यहाँ से आप लोग के फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे जो ओपनिंग चल रही है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, यानी कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ओपनिंग चल रही है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले रजिस्ट्रेशन का मतलब पहले कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जैसे कांस्टेबल फायर का, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, आप पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप लोगों ने CISF की वेबसाइट पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, पहली बार आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। लेकिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पहले अप्लाई किया था, कांस्टेबल फायर के लिए हमने पहले अप्लाई किया था, क्या हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा? जी नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग राइट हैंड साइड पे जो आप लोग की करंट ओपनिंग है, नीचे आप लोग कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो आप लोग का बटन आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जब भी फायरमैन या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जब भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को मिला होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग डाल के, पासवर्ड को डाल के, इस कैप्चा को, जो ये कैप्चा दिया गया HS60 जो भी आप लोग के लिखा होगा, ठीक है, कैपिटल में, स्मॉल में, नंबर जो भी दिया होगा उस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग सबमिट कर देंगे, आप लोग का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई के लिए आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर हमने पहले HCM के लिए अप्लाई किया था, फायरमैन के लिए अप्लाई किया था, बट हम अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भूल चुके हैं, हम क्या करें? तो देखिए, सबसे सिंपल फंडा है, आप लोग अपने जो मेल है उस पर जा कर के भी आप लोग सर्च कर सकते हैं CISF RECRUITMENT रिक्रूटमेंट पे आप लोग इस प्रकार से लिख करके आप लोग जो भी CISF की रिक्रूटमेंट रही होगी, आप लोगों ने पहले कभी भी अप्लाई किया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे CISF के जो भी फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे वो सारे निकल के आ जाएंगे। यहाँ से आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिल सकता है। यदि ये भी नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है, फ्रंट पे आप लोग आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग फॉरगेट रजिस्टर ID और पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप लोग को फॉरगेट रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड पे आप लोग को क्लिक करना है। यदि आप लोगों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया था CISF FIRE CISF SCM के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, तो इस प्रकार से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं फॉरगेट पे क्लिक करके। सबसे पहले आप लोग को अपना नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आप लोग का नाम था ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने फॉर्म के समय नाम भरा था पूरा पूरा नाम आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा जो भी आपके फादर का नेम था वो फादर का नेम आप लोग को लिखना पड़ेगा, मदर का नेम आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब तीन चीज़ डिटेल देने के बाद इसकी जो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ईयर के लिए आप लोग ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का जो है वो एरो आएगा, इस पर आप लोग क्लिक करके इस ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ईयर सेलेक्ट हो गया, इसके बाद आप लोगों का मंथ सेलेक्ट हो गया, इसके बाद आप लोगों का डेट सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ गई, सारा कुछ आप लोगों के हाई स्कूल के अनुसार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मेल फीमेल जो भी है उस पर आप लोग क्लिक करके नीचे जो टैक्स दिया है वो आप लोग लिख देंगे, कैपिटल में, स्मॉल में, ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया है, न्यूमेरिकल में, वर्ड जैसे भी दिया, ठीक है, वो लिख देंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे, कुछ भी आप लोगों को नहीं करना। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आप लोग के मोबाइल पे और एक मैसेज आप लोग के मेल पे चला जाएगा, जिसमें कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन आईडी और आप लोग का पासवर्ड दिया होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का मैसेज आ चुका है, आपको अपडेट कर दिया है रजिस्टर्ड मेल पे जो आप लोग को भेज दिया गया है, मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया गया आईडी पासवर्ड। अपना मोबाइल देखिए, अभी आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी, ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग मेल पे भी चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल पे भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आ चुका है और मेल पे भी आप लोग का आ चुका है, ठीक है। मेल पे क्लिक करके देख सकते हैं, मोबाइल पे जहाँ भी आ जाए आप लोग क्लिक करके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आप लोग नोट कर लेंगे, कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पे आएंगे दोबारा से, आप लोग देखेंगे आप लोग का नंबर सेंड किया गया, तो यहाँ पे आप लोग क्लोज कीजिए। क्लोज करते ही आप लोग फ्रंट वाले पेज पे दोबारा से आ जाएंगे। तो अब आप लोग को रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल चुका है जो आप लोगों ने पहले बनाया था, चाहे वो फायरमैन का फॉर्म अप्लाई किया हो या फिर SCM का किया हो। तो अब कांस्टेबल ट्रेड्समैन का अप्लाई करने के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले बटन पे आप लोग को क्लिक करना है। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आप लोग को प्राप्त हुआ है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। CISF करके कुछ नंबर आप लोग को दिया हो गया होगा और पासवर्ड आप लोग को दिया होगा, वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आप लोग को जो कैप्चा दिया गया, ठीक है, सेम टू सेम आप लोग उतार देंगे, कैपिटल में है, स्मॉल में है, जैसे भी है, ठीक है, उस तरीके से आप लोग उतार देंगे नीचे वाला जो कैप्चा है। ये उतारने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग का जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, फोटोग्राफ से रिलेटेड और ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड जानकारी दी गई, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दी गई। सब कुछ रीड करते हुए आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। पूरी पूरी डिटेल आप लोग को भरनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोग को वीडियो बनाया हुआ, मेरा वीडियो देखिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर भर्ती देखो भी आप लोग को डिटेल मिल जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू देख सकते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, फी पेमेंट करते हुए आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले कराया था तो किस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने पहली बार आप लोग फॉर्म भर रहे हैं CISF की वेबसाइट पर, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे पहले, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जी हाँ, पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, आप लोग के फॉर्म अप्लाई होते चले जाएंगे। नाम भरिए, वेरीफाई कीजिए, ठीक है, और इसके अलावा फादर नेम दीजिए और बाकी की डिटेल आप लोग यहाँ पे देते चले जाएंगे, वेरीफाई फादर नेम वगैरह, ठीक है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये कैप्चा डाल के आप लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जो आप लोग का पूरा यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट होता जाएगा, रजिस्ट्रेशन फिनिश हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फिनिश होने के बाद आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को यहाँ पे कर दिया है। पहले रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कराया तो आप लोग जो है पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर ऑनलाइन अप्लाई आप लोग करेंगे। इस प्रकार से पूरी जानकारी आप लोग को मिल गई। और भी कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान पर लिखूंगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट।